केंद्र सरकार में तमाम मन मुटाव के बीच आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की अहम बैठक शुरू हुई। रिजर्व बैंक और सरकार के बीच मतभेद सामने आने के बाद ये पहली बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में उन पांच बड़े विवादों पर सहमति बन सकती है जिसके कारण केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक आमने सामने है। बोर्ड बैठक से पहले 9 नवंबर को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मतभेद सुलझाने पर चर्चा की थी। खबरों के मुताबिक आरबीआई लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई को कर्ज देने के लिए विशेष इंतजाम कर सकता है। रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार की जो पांच संभावित मांगे हैं उनमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए अतिरिक्त नकदी की व्यवस्था एक प्रमुख मांग है। इसके अलावा एमएसएमई को कर्ज के नियम आसान किए जाने की मांग भी सरकार ने आरबीआई से की है। एमएसएमई सेक्टर अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। इसके अलावा केंद्र सरकार केंद्रीय बैंक से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीएसए के नियमों में ढील चाहती है ताकि इसमें शामिल 11 सरकारी बैंकों को राहत मिल सके। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार आरबीआई के सरप्लस में से 3.6 लाख करोड़ रुपए चाहती है। हालांकि आर्थिक मामलों के सचिव ने इस बात से इनकार किया था जिस एक और प्रमुख मुद्दे पर दोनों के बीच टकराव है। उसके तहत आरबीआई के फैसलों में सरकार ज्यादा भागीदारी चाहती है। उसका मानना है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उसे अलग रखा जाता है। उधर केंद्रीय बैंक केंद्र सरकार से ज्यादा स्वायत्तता चाहता है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अक्टूबर में कहा था कि सरकार को केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता बढ़ानी चाहिए। जो सरकार इसका ध्यान नहीं रखती है उसे नुकसान उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।